हाय गाइस, माय नेम इज़ विशाल रघुवंशी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज अनुरोध जी का हमारे साथ फर्स्ट डे से हम स्टार्ट कर रहे हैं अनुरोध जी के साथ। अनुरोध जी को उससे पहले कभी गाड़ी चलाई है आपने? बहुत पहले चलाई थी, 12वीं में चलाई थी बस। 12th class में चलाई थी? हाँ, सीखी थी। अच्छा, सीखी थी। तो कितना समय हो गया आपको चलाए हुए? 5 साल हो गया होगा। 5 साल हो गया होगा चलाते। तो उस टाइम बढ़िया से हो गया था आपका कॉन्सेप्ट? नहीं, सीधा चलाया था बस। सिर्फ ऑनली सीधा चलाया था, उससे ज्यादा और कुछ नहीं ना? ठीक है, तो आज अनुरोध जी को हम पूरा बेसिक सा नॉलेज देंगे, सारा बेसिक सी चीज बताएंगे। और आज हम ये भी जज करेंगे कि अनुरोध जी कैसा गाड़ी चला रहे हैं, कैसा नहीं चला रहे हैं, उनका पहले का जो था वो कैसा कॉन्सेप्ट था। क्योंकि क्या होता है कि जब एक बिगनर को सिखाना, बिल्कुल फर्स्ट बिगनर को सिखाना, वो ज्यादा आसान होता है। और जो आधा कॉन्सेप्ट लेकर आता है उसके लिए थोड़ा सा टफ रहता है हमारे पास, क्योंकि वो कुछ कॉन्सेप्ट अपना पहले वाला यूज करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट वो अभी अपना वाला यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन देखते हैं अपन कैसा है कैसा नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अब अनुरोध जी को फर्स्ट डे से जो जो चीज़ मैं कैसे बताता हूँ, क्या करता हूँ, मैं सारी चीज़ें मैं अनुरोध जी को पूरा डिटेल में समझाता हूँ। और प्लीज़ आप भी मेरे साथ बने रहें, आप भी मेरा वीडियो को देखिएगा, मैं कैसे ट्रेंड करता हूँ, फर्स्ट डे मेरा कैसा टिप्स रहता है, सेकेंड डे मेरी क्या टिप्स रहती है। और हाँ, एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट का मैं ये सोच रहा हूँ कि अनुरोध जी के साथ, अनुरोध जी का सेशन कितने दिन हुआ है हमारे साथ? पहला दिन है ना, पहला दिन है। टोटल कितने दिन का कोर्स रखा अपन ने? 10 days का है। 10 days का, तो मेरा और अनुरोध जी का 10 days का साथ रहेगा। तो मैं यही सोचूंगा, कोशिश यही करूंगा कि आपका और हमारा 10 days का ही टोटल रील्स हम, वीडियोस हम बनाएं और आप तक शेयर करें कि भाई हमारा 10 days का कॉन्सेप्ट कैसा रहता है, और 10 days तक हम क्या क्या कैसे 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 कहाँ कहाँ मैं लेके जाता हूँ, कितना सिखाता हूँ। तो बने रहिएगा, कोशिश यही करूंगा कि मैं पूरा 10 days का वीडियो बना के मैं डालूँ अनुरोध जी के साथ, जिसमें ऑल टू ऑल मैं सारी ही चीज़ें ट्रेन करूंगा, जैसे रिवर्स पार्किंग, चढ़ाई वगैरह पे, होशंगाबाद हाईवे रोड, NH 46 वाला रोड, उसके अलावा चारों साइड से पब्लिक जब आती है उस टाइप के सारे ही कंडीशंस को मैं सॉल्व करूंगा। तो चलिए बने रहे मेरे वीडियो के साथ और देखिए मैं कैसे अनुरोध जी को ट्रेन करता हूँ। चलिए अनुरोध जी, सबसे पहली चीज़ मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ, याद रखना, अगर कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट्स है, कुछ चीज़ अगर समझ में ना आए तो एक बार नहीं 10 बार मेरे से पूछेगा, ठीक है? चलिए, सबसे पहली चीज़ अनुरोध जी, जब अपन गाड़ी सीखते हैं या गाड़ी में बैठते हैं, क्योंकि ये एक बिग मशीन है, इस मशीन, थोड़ा सा आप भी लाउड बोलिएगा, है ना, क्योंकि ये एक बिग मशीन है, इस मशीन को नहीं पता कि आप क्या हो क्या नहीं हो, है ना। तो जब अपन किसी फील्ड की मशीन को देखता है, अगर अपन समझते हैं तो एकदम से उसे जाति साथ ऑपरेट करने नहीं लग जाते हैं, है ना। जाएंगे अपन, देखेंगे, अगर कोई और उसे ऑपरेट कर रहा है तो अपन भी उसे देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे वो कैसे ऑपरेट कर रहा है, फिर अपन भी ऑपरेट करेंगे, है ना। तो यही चीज़ है कि अपन को ध्यान रखना है, ये एक बिग मशीन है, आज इसको अपन सिर्फ समझेंगे कैसे इसका क्लच, कैसे इसका ब्रेक और कैसे इसका एक्सीलेटर यूज़ होता है, आज सिर्फ अपन उसको समझेंगे, सिर्फ यूज़ नहीं करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डे से ही बैठ के चलाना स्टार्ट कर देते हैं, अपने मन का कुछ भी करना स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज फर्स्ट डे है, आज अपन को टोटल समझ के यूज़ करना है ना, कि क्लच कितना यूज़ करना है, ब्रेक कितना यूज़ करना है और एक्सीलेटर कितना यूज़ करना है। बार बार अपनी गाड़ी का झटके तो नहीं ले रही है, है ना, उसके अलावा एक अपने इंस्टेंट स्पीड में गाड़ी चल रही है, ये सब चीज़ों का आज अपन प्रॉपर ध्यान देंगे। उसके अलावा सेकेंड चीज़, जैसे अपन बच्चा, एक 5 साल का बच्चा अगर साइकिल सीखता है तो वो सबसे पहले अपना बैलेंस बनाना सीखता है, है ना, बैलेंस बनाना सीखता है, उसके बाद वो पेडल मारना सीखता है। या फिर अपन क्या करते हैं, जब छोटे बच्चे के साइड्स में टायर लगवा देते हैं, भाई पहले आप अपना रोलिंग बनाओ, पहले अपना बैलेंस बनाओ, उसके बाद आप गाड़ी आगे चलाना, है ना। तो वही चीज़ है कि आज अपन गाड़ी को समझने के साथ साथ आज अपन इसका बैलेंस बनाना भी सीखेंगे, गाड़ी कैसे वर्क करेगी, कैसे अपन को कितना यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये आपका स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग पकड़ने के लिए आपको अपना अंगूठा हमेशा यहाँ से ऐसे ओ बना के पकड़ना है, चलो पकड़ो, ये आपका स्टीयरिंग पकड़ने का टेक्निक है, ये आपको हमेशा स्टीयरिंग ऐसे ही पकड़ना है। सेकंड होता है आपका हॉर्न, हॉर्न हमेशा हर कार का सेंटर पर रहता है, आप अपने अंगूठे से हल्का सा हाथ लूज करके ऐसे हॉर्न बजा सकते हो, बजाओ, ये आपका हॉर्न हो गया। थर्ड होता है आपका इंडिकेटर, इंडिकेटर अपन किस काम के लिए यूज करते हैं अनुरोध जी? मुड़ने के लिए, मुड़ने के लिए, अगर अपन को लेफ्ट या राइट मुड़ना है तो अपन इंडिकेट देंगे, है ना, चलो लेफ्ट का इंडिकेटर उसको ऊपर करो जरा हल्का सा, ऊपर ऊपर, हाँ, ये कहाँ का जल रहा है? लेफ्ट का, लेफ्ट का जल रहा है, धीरे से उसको नीचे करो, हाँ ये बंद हो गया, एक बार और नीचे करो, ये कहाँ का हो गया? राइट का, राइट का हो गया, ठीक है, चलो बहुत अच्छा, चलिए बंद कर देते हैं। चलिए नीचे कितने पैडल्स हैं? 3, 3 पैडल हैं। राइट पैर कौन सा है आपका? एक्सेलेरेटर। राइट पैर कौन सा है आपका? ये वाला है ना, सीट थोड़ा सा आगे थोड़ा पीछे करता हूँ, है ना, चलो राइट पैर वो वाला है ना आपका, हाँ। चलो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, ए बी सी, ए फॉर एक्सेलेरेटर, बी फॉर ब्रेक, सी फॉर क्लच,
क्लच, ठीक है। तीन पैडल है और पैर कितने हैं अपने पास? दो। दो पैर हैं, याद रखिएगा। जो आपका ये लेफ्ट पैर है ये ओनली क्लच दबाने के काम आएगा, इस पैर से और कोई सा पैडल यूज आपको नहीं करना है। लेफ्ट पैर ओनली क्लच के लिए वर्किंग रहेगा और राइट वाला पैर एक्सीलेटर और ब्रेक। एक्सीलेटर और ब्रेक। आज आपको छह चीजें यूज करनी है। सबसे पहले हैंडल पकड़ो, दूसरा हॉर्न, थर्ड इंडिकेटर, उसके बाद नीचे के तीन पेडल्स ए बी और सी। सी सी कभी भी मैं आपको दबाने के लिए कहता हूं अनुरोध जी, कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी कंडीशन में अगर मैं ये बोलता हूं क्लच दबाइए तो आपको अपना क्लच हमेशा 100% यूज करना है, कभी भी हाफ क्लच यूज नहीं करना है, क्योंकि अभी आप बिगनर हो, नए हो, तो आप अभी 100% लेकर चलो। उससे क्या होगा ना कि जिस दिन आप गियर सीखोगे उस दिन आपको आसानी हो जाएगी गियर लगाने में, उस दिन आपको क्लच से दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलें बढ़े अपन, छह चीजें आज मैंने आपको बता दिए। चलिए, गाड़ी कभी भी स्टार्ट करने के लिए हमेशा क्लच दबा के ही गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, बिना क्लच दबाए गाड़ी कभी भी स्टार्ट नहीं करेंगे। कभी भी मतलब कहीं भी अगर कभी चलते चलते भी अगर आपकी गाड़ी बंद हो जाती है, कभी टर्निंग में बंद हो जाती है, एक्स वाई जेड गाड़ी कभी भी बंद हो जाती है और आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप अपनी गाड़ी का हमेशा क्लच दबा के ही स्टार्ट करोगे, ठीक है। चलिए तो चलिए अनुरोध जी, क्लच दबाइए अपना। चलिए दबा लिया जी, कितना दबाया? 100% दबाया। चलिए सेकंड ऑप्शन में क्या रखेंगे? चाबी, चाबी से स्टार्ट करेंगे। चलो करिए स्टार्ट, क्लच दबा के रखो, क्लच नहीं छोड़ना। चलो हो गई स्टार्ट। थर्ड ऑप्शन में क्या रखेंगे? हैंड ब्रेक है, गियर लगाएंगे। चलो गियर में लगाऊंगा, ठीक है। रुकना एक सेकेंड, फोन से चुप क्यों हो गया। चलो थर्ड में क्या रखेंगे? गियर। गियर कौन सा आएगा? फर्स्ट, ये फर्स्ट गियर। फोर्थ स्टेप हैंड ब्रेक डाउन, ठीक है। ये हैंड ब्रेक मैंने डाउन कर दी है, ठीक है। एक सेकंड, चलो छोड़ो क्लच धीरे धीरे। कितना? 30% ही क्लच छोड़ेंगे, है ना। जैसे आप वीडियो देखकर आए थे मेरा का, भाई कितने परसेंट क्लच छोड़ना है? 30%। चलिए 30% ही क्लच छोड़िए, बस पूरा नहीं छोड़िएगा ना, एक्सीलेटर दीजिएगा भी, है ना। अभी एक्सीलेटर भी नहीं देना है, सिर्फ 30% क्लच। चलो गाड़ी मूव हुई जी। चलो बहुत अच्छा, बढ़ने दीजिए, बढ़ाते रहिए। चलिए अब बढ़ गई गाड़ी इतना जी। अब अपन कौन सा गियर लगाएंगे? वो स्पीड कितनी लेंगे? 20 पे लेंगे। चलो स्पीड दीजिए, हल्का सा दीजिए स्पीड दीजिए। क्लच, क्लच छोड़ दो ना, क्लच नहीं दबाना। हाँ बढ़ाओ स्पीड दीजिए, ए ए एक्सीलेटर दीजिए। चलो बढ़ने दो, थोड़ा सा और बढ़ने दो। चलो कितनी स्पीड आ गई अनुरोध? 20 पे आ गई। कौन सा गियर लगाएंगे? सेकंड गियर कैसे लगाएंगे? क्लच दबा के, है ना। कभी भी गाड़ी का गियर हमेशा क्लच दबा के ही लगता है, ठीक है। विदाउट क्लच कभी नहीं लगाना मेरे भाई। चलो क्लच दबाओ, दबाओ क्लच। चलो ये अपना सेकेंड गियर आ गया, ठीक है। चलो छोड़ो क्लच, बढ़ाते रहो। चलो बहुत अच्छा अनुरोध, कोई डाउट या कोई क्वेश्चन या कुछ चीज समझ में नहीं आए तो 10 बार पूछिएगा मेरे से, है ना। चलिए यहाँ से लेफ्ट टर्न करना है, लेफ्ट इंडिकेट दो। किस साइड मुड़ रहे हो आप? लेफ्ट। तो लेफ्ट मिरर को ध्यान देके रखो। चलो सेट कर दे। चलो ये देखो, बढ़ाते रहो, घुमाओ घुमाओ, बस सीधा करो। चलो आराम से, चलो बहुत अच्छा। जब अपन गाड़ी कहीं भी टर्न्स वगैरह करते हैं या अपन को लेफ्ट या राइट मुड़ना है तो अपन इंडिकेट देते हैं जी। इंडिकेट देने के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आप जिस साइड मुड़ रहे हो उस साइड से कोई ऑलरेडी दूसरी गाड़ी आ तो नहीं रही है जी। जैसे अपन को अभी यहाँ से राइट मुड़ना है, ठीक है, तो मैंने इंडिकेटर तो देना है। चलो दे दो। चलो दे दिया इंडिकेट। उसके अलावा अपन को ये भी चेक करते रहना भाई का कोई राइट साइड वाले मिरर में दिख तो नहीं रहा है जी, है ना। राइट साइड और फ्रंट, ये दोनों जगह नजर रखना है हर सेकेंड, है ना। एक एक दो दो सेकंड्स में आप देखते रहना, है ना, नहीं तो इंडिकेट लोगों को दिखता नहीं है दादा। चलो बहुत अच्छा, सीधा कर लो धीरे 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 धीरे। हाँ बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा। चलो यहाँ से लेफ्ट टर्न करेंगे, जरा इंडिकेट दो। चलो अब किस साइड मुड़ रहे हैं अपन? लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट ध्यान दो, इधर इधर देखो, दिख रहा है? चलो घुमाओ जरा, उधर देखो सामने से ट्राली आती है। चलो बस सीधा कर लो जी। मानशु भैया 10 मिनट में पहुंचाऊंगा।
अच्छा आराम से चलेंगे, जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। गाड़ी एकदम अपन को इंस्टेंट सीधे चलाना है ना, क्योंकि आज पहला दिन है, आज सिर्फ अपन को बैलेंस बनाना सीखना है और इस कार को समझने का, बार बार झटके तो नहीं लग रहे हैं या मिसिंग क्यों कर रही है, ये अपन समझेंगे आज, है ना। ठीक है चलिए, अभी अपन इस लाइन को फोकस कर लेते हैं, इस डॉट सेंटर लाइन को, इसी लाइन के पास से चलेंगे अपन। ठीक है, अगर आज का डे आपका अच्छा जाएगा तो कल से मैं आपको गियर सिखाऊंगा। ठीक है, दोनों साइड्स मिरर यूज करते चले। तो नमस्ते साथियों, अनुरोध जी का हमारे साथ फर्स्ट डे है और अनुरोध जी बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं। ऑन द रोड काफ़ी अच्छा चल रहा है इनका कॉन्सेप्ट, मतलब गाड़ी ज़्यादा बहक नहीं रही है रात में, रोड में एकदम इंस्टेंट स्पीड में चल रही है गाड़ी, ज़्यादा लेफ्ट राइट नहीं हो रही, क्योंकि आज फर्स्ट डे है तो यही चीज़ ज़्यादा देखना पड़ता है कि भाई गाड़ी इनकी बहक तो नहीं रही है, गाड़ी इनकी लेफ्ट या राइट तो नहीं जा रही है ना। और अच्छा चला रहे हैं अनुरोध जी फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग। और बहुत से लोग हमसे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सर आपने 6 चीज़ें बताई हैं, जैसे हैंडल पकड़ना, हॉर्न और इंडिकेटर, क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर, इसके बारे में पूरा डिटेल में समझाया मैंने। तो बहुत से सोचते हैं कि भैया गियर नहीं बताया, तो क्या होता ना हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप रखते हैं भाई का आपको क्या क्या करना है। क्या होता ना माइंड मल्टीपर्पज़ काम नहीं कर पाता आपका, एकदम से आप ब्रेकिंग भी कर लो, एकदम से आप गियरिंग भी कर लो, एकदम से आप हैंडल भी कर लो, रोड में परफॉर्म भी कर लो, ऐसा नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी सारी चीज़ अपन एक वन टाइम पर यूज़ कर सकें। एक सेकेंड अनुरोध जी, यू टर्न करना है अपन को, है ना। चलो सबसे पहले थोड़ा सा लेफ्ट आ जाओ, बिल्कुल कॉर्नर पर देखो, रोड का कॉर्नर आ गया। चलो इंडिकेटर दो राइट का, चलो दो बार घुमाएंगे अनुरोध जी, है ना। चलो पूरा घुमा लो, लॉक कर लो जल्दी जल्दी, लॉक कर लो, लॉक कर लो, ये लॉक हो गया स्टीयरिंग, ये लॉक हो गया। चलो छोड़ो क्लच धीरे धीरे, बढ़ने दो धीरे धीरे, बढ़ने दो, बढ़ने दो, बढ़ने दो, बढ़ने दो। चलो सीधा करो दो बार, एक बार और, बस 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 बस। चलो तो बहुत से बोलते हैं भैया आपने का गियर क्यों नहीं बताया, तो क्या होता है हमारे पास एक स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन रखते हैं कि भाई फर्स्ट डे आपका क्लियर हो जाए, सेकंड डे क्लियर हो जाए, क्योंकि माइंड आपका मतलब ये का मल्टीपर्पज काम एकदम नहीं कर पाता है एकदम कार में बैठते हैं। एक तो हेरिटेशन होती है, घबराहट होती है, कार है बहुत बड़ी चीज़ है, है ना, तो इतनी सारी चीज़ें आदमी मल्टीपर्पज काम नहीं कर पाता है। जैसे अपन बाइक चलाते हैं, कब क्लच दब जाता है, कब ब्रेक लगा देते हैं, कब एक्सीलेटर दबा देते हैं, कब पैर नीचे कर लेते हैं, माइंड को पता ही नहीं चलता, ऑटोमेटिक अपनी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। तो बस वही चीज़ है कि हम अभी इनका जो माइंड है उनको बूस्ट कर रहे हैं, माइंड को एक्टिव कर रहे हैं कि भाई आपको मल्टीपर्पज काम करना भी सीखना है। तो बस यही चीज़ है कि आज फर्स्ट डे है इसलिए हमने अनुरोध जी को 6 चीज़ें बताई हैं। आज का डे इनका बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सिखाने में, अगर कल का दिन इनका बहुत अच्छा जाए, आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा तो कल से मैं इनको गैर बताऊंगा। और गैर वाला वीडियो भी मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप देखिएगा मेरा चैनल के अंदर। तो बाकी अनुरोध जी अच्छा चला रहे हैं, अनुरोध जी कोई डाउट्स वगैरह? चलिए ठीक है, बिल्कुल आराम से चलाते चलेंगे। चलिए चलो स्ट्रेट चलते हैं अनुरोध जी अपन। अनुरोध जी अभी चौराहा आ रहा है, थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों एक्टिव रहिएगा, है ना, क्योंकि दोनों साइड से गाड़ियां आ रही हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ चलिए देखते हुए निकालो, ये देखो भाई साहब तीन तीन ट्रिपलिंग आगे बैठ के जा रहे हैं। चलो बिल्कुल आराम से, बढ़िया निकल गया ये। चलो अनुरोध भाई जी यहाँ से अपन लेफ्ट लेंगे, चलो इंडिकेट दे दिया। चलो पीछे नजर रखो जरा, कोई आ तो नहीं रहा? नहीं आ रहा है ना, चलो घुमा लो घुमा लो, बस बस बस, वन टाइम घुमा के रखो, बस चलो सीधा कर लो वन टाइम,
बस बहुत अच्छा हो गया टर्निंग। चलो कभी भी टर्न करते हो ना तो ऐसे घुमाते नहीं रहेंगे हैंडल को, डर के हमारे का घुमाया थोड़ा सीधा करा, नहीं घुमाना ही है ना और घबराना नहीं है, ये चेक करना कि मेरे को अभी और कितना घुमाने की जरूरत है ना जी। ठीक है, एकदम घबराया और तुरंत घुमाया और तुरंत सीधा कर लिया, ऐसा नहीं करने का बिल्कुल भी। चलो धीरे करो, क्लच दबाओ, ब्रेकर आ रहा है। हाँ चलो छोड़ो क्लच, एक और क्लच ब्रेकर आ रहा है, चलिए दबाइए क्लच, दबाइए दबाइए क्लच। ओ थोड़ा ध्यान रखना ज्यादा पास थी जी। चलो एक और ब्रेकर आया, क्लच दबाओ, हाँ बस छोड़ो क्लच, यहाँ से राइट लेंगे, राइट की तरफ नीचे है ना, चलिए बढ़ाती रहिए। चलो बहुत सिंगल सकरा रोड था इसलिए मैंने ज्यादा आपको कमांड नहीं किया, ज्यादा कुछ बताया नहीं। हमेशा याद रखना कभी भी अगर ब्रेकर आता है तो आपको अपना क्लच हमेशा 100% दबाना है। अगर आपके शुरुआती डेज हैं, शुरुआती नए नए सीख रहे हो तो आपको हर ब्रेकर पे अपना क्लच दबाना ही है, कंपलसरी है हर ब्रेकर पे क्लच दबाना। ठीक है, अगर आपकी स्पीड 20 से डाउन है, सीधे चलेंगे आप, अगर आपकी स्पीड 20 से डाउन है मतलब 20 से अगर नीचे है तो मत दबाना क्लच, मत दबाना ब्रेक। लेकिन अगर आपकी स्पीड 20 है या 20 से 21 प्लस में है तो आपको अपना क्लच हमेशा 100% दबाना है। ठीक है, ये फर्स्ट डे में मैं इतनी चीज बता रहा हूँ, ओनली क्लच दबाना है। आगे जाके मैं ये भी आपको बताऊंगा का ब्रेकर में क्लच दबाने के साथ साथ गियर भी डाउन करते हैं और ब्रेकिंग भी करते हैं, तो अभी मैंने ब्रेकिंग यूज नहीं करवाई है ना, तो बस ध्यान रखना कि आगे जाके मैं आपको गियर शिफ्ट करना भी सिखाऊंगा, ब्रेकिंग करना भी सिखाऊंगा ना। अभी सिर्फ ओनली क्या होता है मैंने आपको आज क्लच क्लच अकेला दबाना है ना, नहीं ब्रेकर में क्लच दबाना, ब्रेकर में क्लच बस। ठीक है बढ़िया, चलो स्ट्रेट चलते हैं, बहुत अच्छा। चलो आगे से अपन को लेफ्ट लेना है, ठीक है, हाँ आगे से धीरे करो जरा, गाड़ी क्लच दबाओ, हाँ ब्रेक को टच करो सिर्फ आराम से, धीरे से करो टच, बहुत अच्छा, इंडिकेट नहीं दिया आपने। चलो लेफ्ट शीशे में ध्यान रखो, चलो घुमाओ वन टाइम, घुमाओ 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 बस। चलो छोड़ो क्लच, वापस सीधा करो रिटर्न करो, करो रिटर्न बस, घुमाना है और सीधा करना है, अभी आपने बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगाई घुमाने में है ना, घुमाना है तो घुमाना ही है, इसमें कमी नहीं होना चाहिए घुमाने में। ठीक है जी, आप घुमाओ, जब मैं बोल रहा हूँ घुमाओ तो घुमाना है ना, और मैं बोलूंगा सीधा करना है तो सीधा करना है। चलो कंट्रोल करो सामने से गाड़ी, अरे क्लच दबाओ, हल्का सा ब्रेकिंग टच, हल्का सा छोड़ो ब्रेक, चलो छोड़ो क्लच, ये लोग बड़ा तेज आते हैं यहाँ से है ना, धीरे। चलो राइट इंडिकेट दे दो भैया के पीछे, यहीं से मुड़ना राइट, हाँ धीरे 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 धीरे, पीछे क्रेटा आ रही है, हाँ चलो घुमाओ घुमाओ, बहुत अच्छा, बस 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 बस, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा, आराम से आराम से आराम से, गुड रिटर्न भैया, बढ़िया। आज फर्स्ट डे में देखो अपन थोड़ा सा सीधा सीधा रोड भी रखा प्लस थोड़ा सा ट्रैफिक भी रख रहे हैं अपन आज है ना। चलिए तो आज अनुरोध जी को हम स्ट्रेट चलाने के साथ साथ बैलेंस बनाने के साथ साथ आज हम थोड़ा सा इनको रोड में टर्न्स वगैरह भी करवा रहे हैं कि अपन को कितना हैंडल कैसे घुमाना है, कितना बचाना है, कितना रोड में डिस्टेंस बनाना है ना, अपना साइड कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें हम बता रहे हैं आज अनुरोध जी को है ना। तो देखते रहिए कैसा लग रहा है आपको मेरा ये वीडियो, चलिए तो बने रहें मेरे वीडियो में और देखते रहें। चलिए बढ़िया अनुरोध जी, स्ट्रेट चलना है अपन को, देखो ऑटो वाला बिल्कुल भी जगह नहीं दे रहा है आपको है, वही तो खराब है। चलो आगे से लेफ्ट टर्न करेंगे अपन, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय के सामने से, चलो आराम से, चलो ये अपना डेस्टिनेशन आ गया है केंद्र विद्यालय आशिमा मॉल, लेफ्ट मुड़ेंगे अपन आराम से, क्लच दबाओ पहले तो, क्यों बंद नहीं होनी चाहिए, चलो घुमाओ, हाँ घुमाओ बंद नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात भैया ब्रेकर था इसलिए है ना, ये ब्रेकर देखा नहीं था, नहीं देखा, नहीं
अरे यार हद हो गया यार, बताओ इतना अच्छा ब्रेकर क्लियर दिख रहा है, वो ब्रेकर ही नहीं दिखा आपको, गजब यार। मुड़ते से ही था ना ब्रेकर। मैंने आपसे इसलिए क्लच दबाया था क्योंकि ब्रेकर था सामने, है ना। दबाओ अनुरोध जी, हल्का हल्का क्लच दबाओ, साइड में रोकेंगे अपन बिल्कुल आराम से। चलिए ब्रेकिंग करो, राइट घुमाओ वापस। चलो क्लच दबा लिया, दबा हुआ है ना क्लच। चलिए अपन ने क्या क्या किया रोकने के लिए, क्लच दबाया और ब्रेक दबाया, क्लच दबाया और ब्रेक किया ना। एक सेकंड अनुरोध, चलिए बैठे रहते हैं, हिमांशु भाई जी आने वाले हैं। चलिए अब अगर बैठो दो सेकंड बैठो। चलिए अब अगर अपन को जैसे अपनी गाड़ी खड़ी हो गई है और अपन ने हमेशा कभी भी गाड़ी रोकने के लिए हमेशा कभी भी अपन गियर शिफ्ट कभी भी नहीं करेंगे, हमेशा गाड़ी अगर जीरो करनी है रोकना है साइड में, तो आप सिर्फ अपनी गाड़ी का क्लच दबाएं और गाड़ी को आराम से साइड में स्टॉप कर लें, है ना। और जैसे अब अगर अपन को दोबारा से रिटर्न से आगे बढ़ना है तो अब अपन क्या करेंगे ऑप्शन में, चलिए क्या करेंगे अपन, हमेशा गाड़ी का अपना क्लच तो दबा हुआ है, ब्रेक भी अपना दबा हुआ है, अपन गियर कौन सा लगाएंगे, न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों करेंगे बेटा, फर्स्ट गियर लगाएंगे ना, अब अपन को बढ़ना है ना आगे, ठीक है। हाँ तो अपन वापस से फर्स्ट गियर, ये वापस से फर्स्ट गियर आ गया। चलिए फर्स्ट गियर आने का सेम वो स्टेप स्टार्ट हो जाती है अपनी, कौन सी वाली, 30% वाली सेम। चलो छोड़ो 30% ही, बस 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 बंद ना हो, थोड़ा सा और बिल्कुल माइनर सा, थोड़ा सा और छोड़ो, बस बस ये देखो बढ़ने लगी है। हाँ। बस अब गाड़ी खुद ब खुद ऑटोमेटिक स्पीड ले लेगी, जैसे उठती है ना गाड़ी। हाँ। तो धीरे धीरे खुद ब खुद स्पीड ले लेती है। चलो हाँ चलो बढ़ गई गाड़ी अपनी। चलिए अब छोड़ दो पूरा क्लच, चलो पूरा क्लच छोड़ दिया, चलिए आगे बढ़ाते रहिए, स्पीड दीजिए। चलो बताओ कितनी स्पीड आने वाली है, 20 आने वाली, आ गई क्या। हाँ। चलिए क्लच दबाइए, कौन सा गियर, सेकंड गियर, चलो छोड़ो क्लच, बहुत अच्छा। चलो स्ट्रेट चलेंगे अपन, स्ट्रेट चलते हैं, बढ़िया। आपका सेशन भी कंप्लीट होने वाला है अनुरोध जी, है ना। चलिए तो अब थोड़ा सा याद रखिएगा मैंने आपको कैसे गाड़ी खड़ी करने के लिए कहा था साइड में, है ना। और जैसे भी कभी भी अगर आपको अपनी गाड़ी साइड में खड़ी करना है और बिगनर है आपके साथ बैठा हुआ है, उसको ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आप उसको प्रॉपर गाइड करोगे, भाई आप अपना लेफ्ट मिरर देखो और वाइट पट्टी जो डिवाइडर का कॉर्नर का जो लाइट पट्टी होती है, लेफ्ट पट्टी होती है सॉरी, उसको देखते हुए ही साइड में अपन को रोकना है ना। डिवाइडर में सॉरी वाइट पट्टी एकदम टायर के नीचे होना चाहिए, तभी आपको अपनी गाड़ी स्टॉप करना है, अन्यथा जब तक आपकी गाड़ी डिवाइडर वाइट पट्टी के ऊपर ना चढ़े तब तक आप अपनी गाड़ी को आगे लेते रहें और साइड में रोकिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे गाड़ी अनुरोध जी से पार्क करवाता हूँ साइड में, और वो कितने अच्छे से कितने बढ़िया साइड में पार्क करते हैं, ये चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए अनुरोध जी बढ़ाते रहिए, जहाँ पे भी वाइट पट्टी होगी अपन वहाँ पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए यहाँ पे वाइट पट्टी दिख रही है साइड में, चलो आओ साइड में आओ। चलो ये आप कैसे पता करो, तो हाय साथियों मैं विशाल रघुवंशी भोपाल फ्रॉम मध्य प्रदेश। आज अनुरोध जी के साथ हमारा फर्स्ट डे था और अनुरोध जी ने काफ़ी अच्छी गाड़ी ड्राइव करी है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है इनका फर्स्ट डे का, बहुत अच्छा किया। तो हमेशा गाड़ी यूज़ करते टाइम हमेशा ध्यान रखना का, आप हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखो, सीट बेल्ट लगाओ, सीट एडजस्ट करो, है ना। बाकी बहुत अच्छा चलाया आपने। अब गाड़ी अपनी साइड में आके खड़ी हो गई है, अब अपनी गाड़ी अभी ऑन है, सिर्फ अपन ने क्या किया है गाड़ी को साइड में खड़ी कर और सिर्फ क्लच और ब्रेक किया है अपन ने, है ना। क्लच दबाने से क्या होता है, एक तरीके से गाड़ी न्यूट्रल हो जाती है और ब्रेक से गाड़ी अपनी स्टॉप होगी। गाड़ी अभी अपनी गियर में है, सेकंड गियर में है ना। अब अपन स्टेप क्या फॉलो करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो स्टेप जो मैंने आपको बैठते टाइम अनुरोध जी को बताया था, फर्स्ट स्टेप हमेशा क्लच दबाना है, सेकेंड स्टेप हमेशा चाबी से स्टार्ट करना है, थर्ड स्टेप हमेशा गियर लगाना है, गियर लगेगा फर्स्ट, और फोर्थ स्टेप जो होता है अपना हैंड ब्रेक डाउन होता है,
ये स्टार्ट करने से पहले का प्रोसेस होता है। अब स्टार्ट गाड़ी को अपन को रोक के बंद करना है गाड़ी को, तो वापस रिटर्न करेंगे कहाँ से, फोर्थ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब रिटर्न करेंगे क्योंकि गाड़ी बंद कर रहे हैं, फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट। तो चलिए फोर्थ ऑप्शन में क्या था अपना, हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक था। चलो ऊपर कर दो उसको, हाँ और अच्छे से करो टाइट। चलो ये अपना हैंड ब्रेक डाउन हो गया है। उसके बाद थर्ड प्रोसेस क्या था, गियर। गियर कौन सा था, फर्स्ट। अभी कौन से गियर में अपनी गाड़ी, सेकंड में। अपन क्या करेंगे उसको, फर्स्ट न्यूट्रल करेंगे बेटा। अब अपन खड़ी कर रहे हैं, फर्स्ट गियर अपन ने तब करा था जब उनको आगे बढ़ना था, है ना। अब अपन को खड़ी करना है, तो ये अपन ने कर लिया न्यूट्रल। ये हो गया अपना थर्ड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था अपना, इंजन। इंजन इग्निशन को ऑफ करना। चलो ऑफ करो इग्निशन को। ये अनुरोध जी ने सेकंड पॉइंट अटेम्प्ट को भी क्लियर किया है। और लास्ट अटेम्प्ट कौन सा अपना, क्लच छोड़ना। ये अपना क्लच भी छोड़ गया, गाड़ी एकदम सेफ है और आप भी सेफ हो, ठीक है। बढ़िया, चलिए। तो कैसा रहा सेशन अपना, बहुत अच्छा। चलिए तो नमस्ते साथियों, मैं विशाल रघुवंशी फ्रॉम भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। और आपको अच्छा लगा हो मेरे वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अब आज अनुरोध जी का हमारे साथ फर्स्ट डे रहा है, कल का कंटेंट हम कल शूट करके डालेंगे, तो देखिएगा ज़रूर का कैसा रहता है हमारा अनुरोध जी के साथ बाकी के 10 डेज और 9 डेज। थैंक यू।